पोटेंशियल एक्सपोर्ट्स हब को विकसित करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्सपोर्ट प्रमोशन समिति की बैठक बुधवार को संपन्न हुई। इस संबंध में विदेश व्यापार समिति के उप महानिदेशक अमित कुमार ने बताया कि इस कार्यक्रम का आयोजन प्रधानमंत्री महोदय का जो उद्देश्य है कि हर जिला निर्यात हब बने, हर जिले का अपना कुछ विशेष होता है, ऐसे में भारत सरकार, राज्य सरकार के तमाम अधिकारी और ट्रेड और इंडस्ट्री के लोग मिलकर एक जिला स्तर पर उन उत्पादों की पहचान करें और उसका क्रियान्वयन कैसे बढ़ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उनकी क्या संभावनाएं हैं इसका पता लगाएं और जिसको इनका निर्यात और संवर्धन का जो कार्य हो उसके लिए दिशा निर्देश दें कि प्लांट वे में इसके लिए वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार नोडल एजेंसी है, भारत सरकार की ओर से और राज्य सरकार की ओर से उद्योग विभाग क्रियान्वयन कर रहा है। इस दौरान संबंधित विभाग के दर्जनों लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए विदेश व्यापार समिति के उप महानिदेशक अमित कुमार ने कहा, ये जो जिले को एक निर्यात हब के रूप में विकसित किया जाए उसके लिए उनके निर्देश पे वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार, राज्य सरकार का उद्योग विभाग, प्रोडक्ट निर्यात हो रहे हैं या जिनमें निर्यात होने की संभावना है उन संभावनाओं का अध्ययन करना और एक प्लान बनाना। उस प्लान में जो कुछ चीजें सामने आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं वो जो हमारे निर्यात के जो लक्ष्य है वो राज्य सरकार की जो निर्यात नीति है और केंद्र सरकार की निर्यात नीति है उससे मिलते जुलते होते हैं। हमारे देखना कि जिले से और क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो सकते हैं, जिला स्तर पर क्या जानकारियां दी जा सकती हैं, जिन प्रोडक्ट्स में वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनमें उनको और अगर वो देशों में एक्सपोर्ट करेंगे तो किन किन सावधानियों की उनको जरूरत है ये सारे के बारे में उनको जानकारी दी जाना, ये कुल मिला के एक उद्देश्य है। मूल बात यह है कि इस पूरी मैं अमित कुमार उप महानिदेशक विदेश व्यापार जी, ये कार्यक्रम का इस कार्यक्रम का आयोजन प्रधानमंत्री महोदय का जो विज़न है कि हर जिला निर्यात हब बने, हर जिले की कुछ अपनी स्पेशलिटी होती है, तो भारत सरकार, राज्य सरकार के तमाम अधिकारी और ट्रेड और इंडस्ट्री के लोग मिलकर एक जिला स्तर पर उन उत्पादों की पहचान करें और उनका निर्यात कैसे बढ़ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उनकी क्या संभावनाएं हैं इनका पता लगाएं और इसको जो निर्यात का संवर्धन का कार्य हो उनका जो दिशा निर्देश है कि एक प्लान्ड वे में हो, इसके लिए वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार नोडल एजेंसी है भारत सरकार की ओर से और राज्य सरकार की ओर से उद्योग विभाग जो है इसको क्रियान्वित कर रहा है। इसमें जो एक जिला निर्यात संवर्धन समिति है जिसका गठन जिलाधिकारी, जिसके चेयरमैन जो है जिलाधिकारी महोदय हैं और उसमें DGFT और अन्य विभागों के अधिकारी पार्टिसिपेट करें और उसका जो मेन कर्ता धरता है हमारे उपायुक्त महोदय हैं उद्योग के, जिनको जिनके क्रियान्वयन में जिनके सहयोग से जिनके प्रवर्धन संवर्धन से उक्त योजना का संचालन किया जाना है। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस तरह की जो योजना है और अगर हम प्लान्ड वे में इस स्कीम को संचालित करेंगे तो जो भारत सरकार का लक्ष्य है कि $5 trillion इकोनॉमी बनना उसको हम शीघ्र प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद। आज मुख्य रूप से किन बिंदुओं पर चर्चा की गई? हमारा जो मुख्य बिंदु है, हमारा जो प्रयास है, सिर्फ हम गोरखपुर से जो निर्यात है और गोरखपुर से निर्यात की जो सबसे बड़ी संभावना है वो कहाँ पे हो सकती है इसके बारे में यहाँ के लोगों को बताना चाहिए।